स्वागत भाषण जिन्होंने किया महाशय धर्मपाल जी, मंच पर उपस्थित आर्य समाज के आए हुए विख्यात ज्ञान से परिपूर्ण गणमान्य अतिथिगण, महानुभाव रोहिणी जोन के चेयरमैन प्रवेश वाही जी, वीरेश प्रताप चौधरी जी, उपस्थित बहनों और भाइयों, बच्चों और साथियों, ये रोहिणी का सौभाग्य है कि दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन इस प्रांगण में हो रहा है। कुछ वर्ष पूर्व इसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 4 दिवसीय यहां पर संपन्न हुआ था और पुनः रोहिणी की धरती पर रोहिणी की जनता को मैं यही कहूंगा कि आर्य समाज के विश्व स्तरीय आर्य समाज के बंधुओं ने आकर के अनुग्रहित किया है। वास्तविकता में ये सम्मेलन आज के परिपेक्ष में एक अति महत्वपूर्ण गतिविधि है। आज भारतीयता, मानवता भौतिकवाद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। शायद जब स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से पूरे विश्व की को जगाने की कोशिश की थी और पूरा विश्व हतप्रभ रह गया था, वो सच्चाई को जान करके, उन कुरीतियों को जान करके, उस समाज के विघटन को जान करके, और एक आंदोलन के रूप में आर्य समाज ने देश को बदलने का एक प्रयास किया था। शायद आज आवश्यकता उसी आंदोलन की, उसी प्रयास की, भौतिकता की तरफ बढ़ते हुए कदम, पाश्चात्य होती हुई हमारी संस्कृति पर आघात, और शायद आज हम उस दोराहे पर आकर के खड़े हैं, ना हम पूरी तरह से पाश्चात्य हैं और ना ही पूरी तरह से भारतीय रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला, मैं आयोजकों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपके बीच में मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला। एक बार पुनः इस सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जो दिल्ली के बाहर, देश के बाहर से लोग आए हैं, मैं उन सभी का दिल्ली की इस पावन धरती पर आने पर हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।